आखिर क्यों होता है खेसारी के साथ ऐसा? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ एक चीज कॉमन है और वो है स्टार से जुड़ी कंट्रोवर्सी। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे भोजपुरी स्टार्स भी कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और उनमें सबसे ऊपर है हमारे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव और कंट्रोवर्सी का साथ इंग्लिश के लेटर क्यू और यू की तरह है, दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। उनसे जुड़ी पहली कंट्रोवर्सी, खेसारी और पवन की फोन रिकॉर्डिंग कांड तो आपको याद ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को जमकर भला बुरा कहा था इसमें। जैसे ही ये मामला शांत हुआ, फिर खेसारी एक और विवाद में फंस गए। यहाँ खेसारी जमकर फोन पर एक लड़के को धमका रहे हैं जिसे उन्हें अपने गानों में गाली दी थी। ये विवाद खत्म हुआ ही था कि खेसारी फिर एक नए विवाद में फंस गए। उस विवाद में तो उन्होंने अक्षरा सिंह को घसीट लिया। एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने अपने ऑडियंस के सामने कह दिया कि अक्षरा से सुंदर तो उनकी वाइफ है। ये कहने भर की देरी थी कि खेसारी फिर एक नए विवाद में फंस गए। आपको यहाँ बता दे कि भोजपुरी के इस सुपरस्टार को स्टार बनाने में भी कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा हाथ है। जब खेसारी नायक नहीं गायक हुआ करते थे, यानी कि वो स्टेज शो किया करते थे, तभी भी विवादों ने उन्हें नहीं छोड़ा था। सानिया मिर्जा के ऊपर गाए गए एक गाने पर सानिया मिर्जा ने खेसारी पर केस कर दिया और खेसारी को 3 दिन जेल की हवा खानी पड़ी। कर कंट्रोवर्सी आम सी हो गई है, पर इन सब के बावजूद खेसारी आज एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और गजब की दीवानगी इनके फैंस में इनको लेकर है। इनकी आने वाली फिल्म जिला चंपारण के रिलीज डेट को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। टू वॉन्ट टू नो मोर भोजपुरी गॉसिप एंड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब अस।